जैसा कि आप सभी जानते हैं, नकली अंडे पाए गए कोलकाता के मार्केट में। लोग पैनिक हो गए इस न्यूज़ को सुन के कि नकली अंडे अगर खा लिया तो बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेज हो सकती हैं। दोस्तों, न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि नकली राइस भी पाई गई है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, जो कि हो गया तेलंगाना में, और न्यूज़ वायरल होती जा रही है। और प्लास्टिक राइस आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर सकता है, एंड इट कैन डिजीज़ लाइक कैंसर एंड बर्थ इफेक्ट। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ हम कैसे पहचाने कि ये प्लास्टिक राइस है या ओरिजिनल राइस। एक मुट्ठी भर चावल ले लें, और उस चावल को अगर आप बर्न करते हैं कुछ चावल, तो उसमें प्लास्टिक की बू आएगी, तो आप समझ जाइएगा कि वो प्लास्टिक राइस है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप राइस को बॉईल कर लें और एक बॉटल में उसको बंद करके रख दें। अगर राइस फंगस उस राइस में अफेक्ट हो गया तो आप समझना कि ये ओरिजिनल राइस है, अगर नहीं अफेक्ट हुआ तो ये प्लास्टिक राइस है। और तीसरा इफेक्ट दोस्तों ये है कि एक राइस लें और हॉट ऑयल उस राइस में डाल दें। अगर वो राइस मेल्ट हो जाता है तो आप ये समझना कि वो प्लास्टिक राइस है। अब आते हैं हम पानी से कैसे टेस्ट करें। दोस्तों, पानी में हम कोई भी चीज़ प्लास्टिक के डालते हैं तो वो फ्लोट करता है। अगर आप प्लास्टिक राइस या राइस डालते हैं पानी में, तो जो राइस फ्लोट करेंगे पानी में वो प्लास्टिक के राइस हैं, और जो राइस नहीं फ्लोट करते वो ओरिजिनल राइस है। और पांचवें ऑप्शन पे हम आते हैं कि प्लास्टिक राइस कैसे पकड़ें। पांचवा ऑप्शन ये है कि अगर फेक राइस आइडेंटिफाई करना है, तो जब हम बॉईल करते रहते हैं तो पॉट के ऊपर एक थिक लेयर बन जाएगी, अगर वो प्लास्टिक राइस है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट्स।